मोहनगिरी शिक्षक कॉलोनी के पीछे रहने वाले 21 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी। बीती रात 1:30 बजे के लगभग कोतवाली पुलिस को दी गई सूचना। आज दोपहर में जिला अस्पताल में शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मोहनगिरी शिक्षक कॉलोनी के पीछे रहने वाले 21 वर्षीय लकी रेगवार ने बीती रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में शव का पीएम कराया गया। लकी के पिता ने बताया कि कल रात वह गुमसुम घर आया था और खाना खाने के बाद सोने चला गया। इसी बीच देर रात उसने फांसी लगा ली। जब तक उसे बचा पाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहाँ डॉक्टरों ने भी जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जी आगे जो फांसी लगाई है, क्या नाम है उनका, क्या उसका नाम? लक्की सिंह है और उसकी उम्र 21 साल है। उसने कैसे फांसी लगाई है और उसका कारण तो जांच में ही आएगा। अभी मैं यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम करने के लिए आया हूँ। क्या नाम बताया आपने? लक्की सिंह रेकवार निवासी है, शिक्षक कॉलोनी मोहनगिरी का रहने वाला है जी। ये रात की घटना है। रात को 1:30 बजे सूचना आई थी थाने में, 1:30 बजे मर्ग कायम हुआ। तो मैं सुबह जब ड्यूटी में पहुंचा तो जब ये मर्ग मेरे को मिला तो मैं इसकी पंचनामा कार्रवाई के लिए आया हूं, क्योंकि रात में मैं पंचनामा कार्रवाई नहीं होती है। किस तरीके से फांसी लगाई थी? अब कोई जानकारी नहीं है इसकी। स्कूल की बाली गली के पीछे मास्टर कॉलोनी मोहनगिरी। क्या हुआ? ये सर मेरे लड़के ने सुसाइड कर ली सर, रात में। कैसे कर ली? ये आप वो तौलिया से फंदा लगा के और बस 11:30 बजे करीब लटका। जो लटका तो मुझे आवाज़ आई, तो आवाज़ आई तो मैं दौड़ा दौड़ा, जब तक ख़त्म ही हो गया तो मैंने उठा के खोला सर उसे, और तुरंत मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस थोड़ी देर बाद आई तो फिर बोले एक काम करो आप उठा के ऑटो में ले चलो, मेरा खुद का ऑटो है, मैं लेके आया सर। तो रात में क्या नाम था भैया? लक्की रे। एक बार ये मोडी वालों कारखाने में कपड़े की दुकान पे काम करता था। कितनी उम्र होगी? 21 वर्ष की। क्या कारण कुछ सामने आया? नहीं, कारण नहीं बताया सर, कुछ भी ना, कोई विवाद ना कोई बात ना, किसी से बोला ना चाला, आया चुपचाप बिल्कुल सुनमान, वो आके खाना खाया और खाना खाने के बाद क्या बात हुई थी रात में? कुछ बात हुई? कुछ नहीं हुई सर, कोई बात भी नहीं हुई। शादी हुई थी? नहीं हुई सर।